नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर एयर अथॉरिटी के 6 सदस्यीय टीम ने जमशेदपुर का किया दौरा। सीजीपीसी के कन्वीनर चुने गए दलजीत सिंह, जल्द कराएंगे प्रधान पद का चुनाव। चोरों के आतंक के कारण लोग दहशत में, जिंदगी जीने को है मजबूर, पुलिस है मौन। और कुल्हान के हरिणा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर हो रहा है विचार, सांसद ने की पहल। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के थालबुंगड़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भारत सरकार के एयर अथॉरिटी के 6 सदस्यीय टीम ने शहर का दौरा कर कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। वहीं सोनारी एयरपोर्ट से एयर डेक्कन के द्वारा शुरू की जाने वाली सेवा अब भी अधर में लटकी हुई है। जमशेदपुर के धालबुंगड़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई थी, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार के आदेश पर एयर अथॉरिटी के 6 सदस्यीय टीम ने सोनारी एयरपोर्ट और धालबुंगड़ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। वहीं इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, उपायुक्त अमित कुमार और एयर डेक्कन के कई सदस्य मौजूद थे। पिछले दिनों राज्य सरकार के आदेश पर सोनारी एयरपोर्ट से एयर डेक्कन की शुरुआत की जानी थी, मगर रनवे छोटा होने के कारण एयर अथॉरिटी के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। निरीक्षण करने आए एयर अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा पहले सोनारी एयरपोर्ट का निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों ने रनवे पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिस कारण से अब शहर के लोगों को हवाई सेवा के लिए और भी इंतजार करना पड़ेगा। वहीं धालबुंगड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। टीम के साथ मौजूद जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कई बार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर केंद्र सरकार से NOC ली गई है, इसी के तहत 6 सदस्यीय टीम के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। टीम के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 1500 एकड़ जमीन की मांग की थी, जिसे जिले के उपायुक्त के द्वारा मैप तैयार कर जांच अधिकारियों को सौंप दिया गया है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए काम भी शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जमशेदपुर में व्यवसाय कर रहे उद्योगपतियों को राहत मिल सके। वहीं एक सवाल के जवाब में विद्युत वरण महतो ने कहा कि जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ बैठक कर रनवे की स्थिति को दुरुस्त करने पर पहल भी की जाएगी। इन्होंने कहा कि जो भी ये हो, लेकिन बड़ा एक एयरपोर्ट यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि इधर वो जो बंगाल है, कलकत्ता है, इधर रांची है, रांची भी उतना बड़ा आकार का नहीं है। तो हम लोग बोला तत्काल जो है मुँह करा के इसको भी काम चालू किया जाए, साल भर का भीतर हुआ भी कुछ काम हो तो। बोला थोड़ा सा समय तो लगेगा उसमें, क्योंकि उसका रनवे बनाना, उसका बिल्डिंग बनाना, ये करना। तो हम लोग बोला जल्दी इसको चालू किया जाए। ये भी बोला कि इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से 4-5 बार मीटिंग हो चुकी है। अभी जो पिछला सेशन चला दोनों ही मंत्री से, हमारे सुरेश प्रभु और जयंत सिन्हा से लगभग 4 बार बैठक हुआ, नक्शा उक्शा देखा दिए किया। अभी ज़मीन जो है वहाँ 3 एकड़ के आसपास झारखंड सरकार की है, 150 एकड़ रिजर्व फॉरेस्ट का है, और लगभग 1.5 एकड़ के उतनी जगह जो है एक्वायर करना सिर्फ। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए प्रधान पद का चुनाव के कन्वीनर दलजीत सिंह मत के माध्यम से चुन लिए गए हैं। सभी गुरुद्वारों के प्रधान ने दलजीत सिंह पर अपनी आस्था व्यक्त की है। वहीं चुनाव के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। साक्ची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय में प्रधान पद के चुनाव को लेकर कन्वीनर का विवाद रविवार को मत के माध्यम से खत्म हो गया, जहां जिला प्रशासन द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। वहीं इस अवसर पर मजिस्ट्रेट के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल एवं वरीय अधिकारी तैनात थे। काफी शोर शराबे के बीच कुल 146 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें दलजीत सिंह 80 मत प्राप्त कर कन्वीनर के विजेता घोषित किए गए। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार को मात्र 66 वोट ही प्राप्त हुए थे। जीत का जश्न दलजीत सिंह के समर्थकों ने फूल माला पहना कर किया। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा रही मजिस्ट्रेट अनीता करकट्टा ने कहा कि पिछले दिनों हुए विवाद को देखते हुए जिले के वरीय अधिकारियों के आदेश पर कन्वीनर का चयन मत के माध्यम से किया गया है, जिसमें सभी गुरुद्वारों के प्रधान एवं सिख संगत समिति के सदस्यों ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें दलजीत सिंह को कन्वीनर के रूप में चयन किया गया है।
अब चुनावी प्रक्रिया दलजीत सिंह अपनी कमेटी का गठन कर करेंगे। 146 गिरा है, वो है कंफर्म हो लीजिए। कन्वीनर के तौर पे श्री दलजीत सिंह जी 14 मतों से विजयी हुए हैं। उनको 146 में से 80 वोट्स मिले और दूसरे स्थान पर है सुरजीत सिंह जी जिनको 146 में से 66 वोट्स मिले। ये किस चीज़ पद के लिए चुनाव हो रहा था? ये CGPC के कन्वीनर पद के लिए चुनाव हो रहा था। अब ये कन्वीनर श्री दलजीत सिंह जी आगे चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। वहीं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए चुने गए कन्वीनर दलजीत सिंह ने कहा कि संगत ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं पूरी निष्पक्षता के साथ जल्द से जल्द सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराकर नए प्रधान की घोषणा करूंगा। सभी गुरुद्वारों के प्रधान ने मुझ पर आस्था व्यक्त की है, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद में डिसीजन लिया जाएगा। अभी नहीं, हम लोग बहुत ही जल्दी चुनाव कर देंगे ताकि जो भी जनता ने मेरे पर, संगत ने जो मेरे ऊपर एक भार ये किया है, हम उसको जल्दी ही अपना रिजल्ट दे देंगे। क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या क्या मतलब कठिनाइयां आ रही हैं? कोई कठिनाई नहीं है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, आज बड़ा पीसली हुआ, बहुत शांति ढंग से सारा ये हुआ है। वही नेक्स्ट जो होगा वही होगा, हाँ निष्पक्ष चुनाव होगा और हम पूरा प्रयास करेंगे किसी को भी किंतु परंतु का कोई ये ना हो। और बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर स्थित ओल्ड स्वर्णरेखा आवासीय कॉलोनी के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, यहाँ रहने वाले करीब 60 से 70 परिवार स्वर्णरेखा परियोजना के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजन हैं। पिछले कई दिनों से इस कॉलोनी में चोरों का आतंक मचा हुआ है। अब यहाँ आलम यह है कि चोर अब दिन दहाड़े कॉलोनी में घुसकर बंद पड़े घरों और बिल्डिंगों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों की अगर बात करें तो कर्मचारी बताते हैं कि सारी जानकारी अधिकारियों और स्थानीय थाने को दे दी गई है, बावजूद इसके न तो अधिकारी कुछ उपाय कर रहे हैं और न ही स्थानीय पुलिस ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। चोर पूरे कॉलोनी को खंडहर बनाने में तुले हुए हैं। कॉलोनी के बंद घरों की खिड़की, दरवाजे और ईंटों को चोर खुलेआम लेकर भाग रहे हैं। वहीं कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही साफ यहां देखी जा सकती है। वैसे अब इस कॉलोनी के कर्मचारी क्वार्टर खाली करने का मन बना चुके हैं। इधर इस संबंध में आदितपुर थाना पुलिस का कहना है कि थाना स्तर पर पेट्रोलिंग गाड़ी भेजी जाती है, लेकिन कॉलोनी में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होने और समय पर सूचना नहीं देने के कारण आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। है कोई देखने वाला देखभाल नहीं है, चोरी छिनारी सब कुछ होता है, रोज जात हम तो अकेले रहता। बोलिए हम का करेगा सर? मतलब हमारा घर का पाइप दरवाजा छेच रहा है, कूट रहा है, तो आवाज नहीं मिलेगा सर, हम सोता रहेगा तो अकेले रहते हैं। तो पुलिस आती है यहाँ पे? पुलिस आता अपना काम से चले जाता देखभाल करके। कौन चोरी जाता? देखो घर और ऑफिस हम लोगों का यही काम है, हमको तो आप चोर नो छिनारे हम औरत जाते अकेले रहता, हम देखभाल कैसे करेंगे सर? और साहब लोगों को पता है कि अभी साहब लोगों को सबको पता है, सब हल्ला करता, जैसा चोरी होता सर, चोरी होता सर, सर लोगों का हाथ सू जाता, कौन पता है उधर भी हुआ। स्वर्णरेखा कॉलोनी के बारे में पूछे तो स्वर्णरेखा कॉलोनी में बहुत दिनों से, कई वर्षों से ये अबंडेंट बहुत सारा क्वार्टर पड़ा हुआ है, जिसमें कोई नहीं रहता है, था उसका अपना सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। कुछ दिनों में कभी कभी ये सूचना दुर्भाग्य पर किसी के आते किसी के द्वारा दी जाती है कि ये कुछ लोग है, कोई ईटा उठा के ले जा रहे हैं या कुछ है जो सामान पड़ा हुआ है टूटा उसको घर का उसको ले जा रहे हैं। पेट्रोलिंग पार्टी पर आया जाती है, नज़र रखी हुई है, परंतु ये काफ़ी लंबा समय से प्रॉब्लम है, इसको विभाग को भी सोचना पड़ेगा और उसको अपना सिक्योरिटी या फिर एवेंडेड बड़े घरों की सुरक्षा की दृष्टि देखना पड़ेगा। इस तरह का अगर कोई कार्रवाई के लिए आता है तो हम लोग कार्रवाई। और यहाँ आपको बता दें कि कुल्हान के प्रसिद्ध मंदिर भगवान भोले शंकर के हरिणा मंदिर परिसर और क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जल्द बात करूंगा, ये बातें हम नहीं बल्कि सांसद विद्युत वरण महतो ने कही है।
जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार ने भी प्रसिद्ध हरिणा मंदिर को विकसित करने की बात कही और उपायुक्त ने प्रसिद्ध हरिणा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही जिला परिषद चेयरमैन भी वहां पहुंचे। बता दें कि कई राज्यों से सावन में प्रसिद्ध हरिणा मंदिर में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु आते हैं और गर्मी के समय में 7 दिनों तक यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। वहीं इसे पर्यटन स्थल बनाए जाने से राज्य सरकार को राजस्व भी काफी मिलता रहेगा। इस क्षेत्र के जो विधायक यदि मनका सरदार जी लगातार सदन में इस बात को रखे विधानसभा कि काफ़ी हम लोग आस्था है इस क्षेत्र के लोगों का, काफ़ी जागरूक है और भोले बाबा के आशीर्वाद में काफ़ी लोगों का मनोकामना भी पूरा हुआ है और सही पैमाने पर इसको डेवलप करने के लिए प्रयासरत है। इसके संबंध में हम लोग अमर बावली जी माननीय मंत्री जी हैं, इससे संबंधित उनसे इस बार आग्रह किए हैं कि मेला में इस बार एक बार जरूर आएगा तो निश्चित रूप से कुछ कुछ योजना छोटा छोटा योजना में जरूर मिला है और हम लोग चाहते हैं कि बृहद आकार में लोग अभी रोड भी बनने वाला है। यहाँ हरिणा मंदिर में आज मैंने दर्शन किया है और मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके विस्तार के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी और जिला स्तरीय पर्यटन समिति के माध्यम से उसको हम लोग एक समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और 3 दिवसीय मेला भी लगता है। यहाँ कैसे हम लोग जन सुविधाओं का विस्तार कर सकें इसको लेकर के जिला प्रशासन काफी संवेदनशील है और आगे आने वाले दिनों में उसकी योजना तैयार करके उसको क्रियान्वित किया जाए। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के लोगों में पहाड़ी पूजा का आयोजन काफी धूमधाम के साथ किया गया। बता दें विगत कई वर्षों से उक्त स्थान पर पहाड़ी पूजा का आयोजन स्थानीय लोगों द्वारा होता आ रहा है, जहाँ अंतिम दिन माता की विदाई के समय जमकर आतिशबाजी की जाती है। पिछले 2 महीने से पहाड़ी पूजा का शुभारंभ किया गया है जिसका समापन 8 मई को होगा। इस पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि गोलपहाड़ी मंदिर से माँ को उक्त स्थान पर माँ के पुष्प के इशारे पर ले जाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पूजा के शुभारंभ में जब भक्त गोलपहाड़ी मंदिर से मां को लेने जाते हैं तो मां पुष्प के जरिए भक्तों के साथ चलने की इच्छा जाहिर करती हैं। इधर इस वर्ष भी काफी धूमधाम के साथ पूजा का शुभारंभ हुआ, जहां सप्ताह भर से लोग पहाड़ी मां की पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं मंदिर के पुजारी के अनुसार 8 मई को पूजा का समापन होगा। इस दिन एक से बढ़कर एक आतिशबाजी की जाएगी, साथ ही आकर्षक झांकी भी निकाली जाएगी। पहाड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें भव्य रूप से अंतिम दिन जो होता है उसमें पटाखे वगैरह का किया जाता है और जिसमें कि उड़ीसा से आंध्र से कला जो पटाखा का कलाकार को मंगाया जाता है और यहाँ से विभिन्न प्रकार का आतिशबाजी की जाती है। कितने दिनों से पूजा का शुभारंभ हुआ? पूजा का शुभारम्भ यहाँ पे अभी इस साल जो है 2 मई से प्रारंभ हुआ जो कि 8 मई तक चलेगा और मंगलवार के दिन हम लोग संध्या के समय में माता को गोलपहाड़ी तक लेके फिर से वहाँ पे पहुँचाएंगे। वहाँ से लेके आते हैं 2 तारीख को, पहले से माता को वहाँ से आमंत्रण दिया जाता है 3 का टाइम में जाके, फिर संध्या का टाइम में हम लोग जाके वहाँ से फूल गिरता है जो कि हम लोग वहाँ रखते हैं, पंडित पूजा करते हैं, तो फूल पूरा जब तक नहीं गिरता है तब तक हम लोग उसको लेके नहीं आते वहाँ। और यहाँ आपको बताएं कि सीताराम डेरा गुरुद्वारा कमेटी की ओर से पिछले 2 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुद्वारा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। यह रक्तदान शिविर बाबा दीप सिंह महाराज की शहादत एवं बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में कराया जाता है। इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रक्तदान शिविर गरीब एवं असहाय लोगों एवं जरूरतमंदों के लिए किया जाता है। आयोजककर्ता ने बताया है कि उनके द्वारा साल में अभी एक ही बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कमेटी साल में 2 बार इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए सोच रही है। वहीं इस रक्तदान शिविर में कमेटी मेंबर व मुख्य रूप से कई लोग मौजूद थे। सीताराम डेरे विच रखा गया है जिस विच दूसरी बार ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। ये उद्देश्य साडा विसाखी वास्ते हैगा। विसाखी में हम लोग हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। इस साल थोड़ा लेट हो गया है, इस साल हम लोग 29 तारीख को होना था, ये 6 तारीख को हो रहा है, तो ये दूसरी बार है। गुरुद्वारा का बहुत महिमा है, इसलिए पिछली बार हम लोग स्टार्ट किए हैं और ये कंटिन्यू रहेगा हर साल की बात ही, और अगले साल से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए और बढ़ से बढ़कर चढ़ के आदमी इसमें हिस्सा ले और गुरु साथ संगत जी सब यहाँ का यहाँ सुख शांति के लाभ उठाए यहाँ से। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्री एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। ने खास करके जो बदलाव किया है बच्चों को देखते हुए, यहाँ पे हमने दो राइड्स चेंज किए हैं जो बच्चों के लिए हैं। एक बुगी ट्रेन है जो बच्चे काफ़ी पार्क में एंजॉय करते हैं, उससे बुगी ट्रेन को हम लेके आए हैं नई पहली बार यहाँ पे। दूसरी एक जो टॉय ट्रेन बोलते हैं, टॉय ट्रेन पहले भी लेके आए, इस बार भी हम नया लुक में लेके आए हैं जिसमें क्या है बच्चे उनके माता पिता के भाती। इस साल क्या है कि काफ़ी चेंजिंग हम किया है इसमें, हमें उम्मीद है कि इस बार जो यहाँ के लोग हैं खरीदारी में कुछ ज़्यादा ही उनको मदद मिलेगा। जहाँ मनोरंजन मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। आप अपने घर को दे सकते हैं नया लुक, क्योंकि अब शहर जमशेदपुर में एक ही छत के नीचे न्यू बाबा फर्नीचर लेकर आए हैं नए नए डिजाइनों में आकर्षक सोफे, पलंग, डाइनिंग टेबल, चेयर, ड्रेसिंग टेबल के साथ ही और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, डायल करें हमारा नंबर 9334811315 9031777777 और हमारा पता VIP अपार्टमेंट डिमना रोड मानगो जमशेदपुर। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनिश्चित सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। शिक्षा, नौकरी, व्यापार या घरेलू समस्याएं, अब है हर समस्या का समाधान प्रसिद्ध हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास। कई पुरस्कारों से सम्मानित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय, जिनके पास है 25 वर्षों का अनुभव, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। 25 साल से अनुभव से हम ज्योतिष विद्या जमशेदपुर में कर रहे हैं और सारे लोग जमशेदपुर हो चाहे बाहर के भी हो, हमने 100% गारंटी के साथ फायदा देते हैं। तो आइए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास और हो जाइए टेंशन फ्री। बहुत दिन से ही मिल रही हूँ, जब से मिल रही हूँ बहुत ही फायदा हुआ है और मैं फिजिकली एंड पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही थी,
लेकिन इनके पास आके मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, मेंटली फिजिकली हर तरफ से। पता आकाशदीप प्लाजा, शॉप नंबर 145, ग्राउंड फ्लोर, गोलमोरी, जमशेदपुर। मिलने का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9934182433 और 9431301161। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707 और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के पुराने कोर्ट परिसर में झारखंड पेंशन समाज कल्याण के सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक व सरकार में मंत्री सरयू राय उपस्थित थे, जिनके द्वारा सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस भवन में पुस्तकालय व पेंशनरों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। वहीं मंत्री सरयू राय का सभी पेंशनरों ने आभार प्रकट किया। पिछले कई दिनों से इस सामुदायिक भवन की मांग की जा रही थी, जिस पर पहल करते हुए क्षेत्र के विधायक सह मंत्री सरयू राय ने भेंट स्वरूप इस सामुदायिक भवन को पेंशनरों के सुपुर्द किया। था ये भवन का, यह पेंशनर समाज कल्याण का सामुदायिक भवन है, तो उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया है। उसमें मैं आपको मोहनलाल राय जी भी हैं, मंत्री जी भी हैं और विद्युत मरण महतो जी के जो विशेष वरीय साथी हैं वो हैं। क्या क्या होगा यहाँ से? यहाँ केवल आज केवल उद्घाटन का ही कार्यक्रम, उसके बाद क्या क्या होगा काम? अब और कोई काम नहीं। इसमें पुस्तकालय वगैरह होगा, पेंशनरों की समस्या का समाधान होगा, यही सब काम होगा इसमें। और उधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क के नजदीक सेव इंडिया फैमिली के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया व केंद्र सरकार व राज्य सरकार और न्यायपालिका से पुरुषों के अधिकार का हनन ना हो इसके लिए गुहार लगाई है। वर्तमान समय में 498 धारा का गलत इस्तेमाल कर कुछ चुनिंदा महिलाओं द्वारा पुरुषों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसका विरोध सेव इंडिया फैमिली ने किया है। सेव इंडिया फैमिली के सदस्यों ने धरना देकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व न्यायपालिका से आग्रह किया है कि वे पुरुषों के अधिकारों का हनन न होने दें। उनके अनुसार बहुत ऐसे मामले हैं जिस पर महिलाओं द्वारा गलत तरीके से अपने पति व उनके परिवार के सदस्यों को दहेज प्रताड़ना वाले मामले में फंसा दिया जाता है, जिससे पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर खड़ा हो जाता है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस पर पहले पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए, ताकि पुरुष वर्ग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। एक NGO फॉर मेन है जो पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ती है, उसके बैनर तले आज हम लोग जुबली पार्क में एकत्रित हुए हैं, जहां पे हम लोग ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और चला रहे हैं यहाँ पे, और समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से 498A में भारत सरकार जो NCERB के डेटा के हिसाब से 2012 में 2,00,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कि 25,000 महिलाएं थी। इसका मतलब यह है कि पति जिनकी माँ बहनों को भी बिना सोचे समझे पुलिस अरेस्ट करती है, उनको जेल में बंद करती है, जिसके कारण से पूरे सामाजिक ढांचा पे असर पड़ रहा है।
साथ ही 498A का दुरुपयोग का इस तरह से दुरुपयोग इस तरह से किया जा रहा है कि इसमें परिवार के चाचा चाची मामा मामी 15-15 लोगों का नाम दे दिया जाता है। और इधर जमशेदपुर में किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा आयोजित समर कैंप का समापन छोटे बच्चों द्वारा कैटवॉक कर किया गया, जिसमें छोटे बच्चों के द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश दिया जा रहा था। मानगो स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा पिछले 6 दिनों से समर कैंप का आयोजन कर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसका रविवार को समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। वहीं इस अवसर पर छोटे बच्चों द्वारा रैंप पर कैटवॉक कर पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश वहां मौजूद अभिभावकों को दिया जा रहा था। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छोटे बच्चों को पुरस्कृत अतिथियों के द्वारा किया गया। समर कैंप के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हुजैफा आलम ने कहा कि समर कैंप के माध्यम से हम बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर करते हैं, जिसमें छोटे बच्चों के द्वारा जमकर मस्ती की जाती है, जिसके बाद गर्मी छुट्टी की घोषणा के साथ बच्चे अपने परिवार के साथ समय बिताकर मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं। समर कैंप के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को एक मंच देने का प्रयास स्कूल के द्वारा किया जाता है। आज समर कैंप का लास्ट डे था, जहाँ पे सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया गया, और आज हमारे गेस्ट साकिब सर, तारिक सर और अफ्ताब सर थे, जिन्होंने आके अपना कीमती टाइम दिया और बच्चों के बीच अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या मकसद क्या है सर? इसमें मकसद ये है कि बच्चों का कंटिन्यू पूरा क्लासेस चलता है, बट इसमें बच्चे लोग का एंटरटेनमेंट नहीं होता है, तो इसमें हम लोग 1 वीक का एंटरटेनमेंट पूरा किया, जिसमें से कंटिन्यू अभी 45 डेज बच्चे लोग का समर वेकेशन रहेगा। उनको आगे एक इंटरेस्ट बनाएगा कि हमको स्कूल जाना, फिर से हमको ये एंटरटेनमेंट मिलेगा, वो आफ्टर 1 मंथ फिर से स्कूल ज्वाइन कर। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के लोको स्थित दक्षिणी सुनसुनिया में मुखी समाज के लोगों ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जहाँ विगत दिनों राम मुखी के परिवार के साथ घटित घटना की निंदा की गई और इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात करने पर रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक में सालगा झुड़ी निवासी सपना करुआ के साथ घटित घटना पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पूर्व राम मुखी व अमरजीत सिंह में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां अमरजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं बैठक में बताया गया है कि वार्ड मेंबर दयामणि खाका अमरजीत सिंह का साथ देते हुए राम मुखी को झूठे आरोप में फंसाने का काम कर रही हैं। दयामणि द्वारा राम मुखी पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस ने राम मुखी को हिरासत में ले लिया है। मुखी समाज के लोगों ने इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर जल्द कोई बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। समाज के लोगों के अनुसार बेकसूर व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, जिस पर समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। दयामणि खाका जो है इस तरह का मैंने बेवजह जो इल्जाम लगा करके पूरा परिवार लखीराम करवा और कमली करवा और उनके बहू के ऊपर में जो इस तरह का जो गलत इल्जाम लगवाई है उस विषय के हम लोग बैठे किए हैं और उनके दामाद के ऊपर में इस तरह का जो इल्जाम लगा उसके इस विषय पर हम लोग बैठे किए हैं। और अगर वो इस तरह से अगर बातचीत नहीं करती है, अगर केस को समाधान करने की अगर कोशिश नहीं करती है, तो हम लोग हमारा समाज पूरा बैठा हुआ है, हमारा पूरा समाज को लेकर के हम लोग वहीं दूसरी तरफ सालगा झुड़ी निवासी सपन करुआ के घर में जमीन मामले को लेकर कुछ स्थानीय युवकों ने मारपीट व छिड़काने की घटना को अंजाम दिया। इस मुद्दे को भी बैठक में उठाया गया। वहीं सपन करुआ ने बताया है कि जमीन के मामले में उनके घर पर स्थानीय 4 से 5 की संख्या में लोगों ने तोड़फोड़ मारपीट व छिड़काने की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बैठक में न्याय की गुहार लगाई है। कुछ सलगा जुड़ी का लोग जो जाके वहाँ पर समझे ना, वो लोग जाके मेरा घर में जो है तोड़ फोड़ किया और जो हमारा ये था उसको जो है मेरा बेटी को मतलब मैंने देख के उसको लोग बहुत बेइज्जती किया, इस तरह का मैंने उसको धक्का मुक्का किया, सोना का चेन था वो छीन कर ले लिया। कौन कौन लोग थे वहाँ? था आपका सेवन टूडू, चंदमोहर सोरेन और बहादुर, ए बहादुर उसका नाम बहादुर टाइटल नहीं जान रहे हैं, 3-4 आदमी 5-6 आदमी जाके इस तरह के घर कहाँ के थे लोग सब? इस लगा जुड़िए के लोग थे। और इधर जमशेदपुर के खास महल स्थित कुंडू भवन में एकलव्य फिल्म इंडिया के बैनर तले बच्चों का निःशुल्क ऑडिशन लिया गया, जहां बच्चों ने अपने अंदर छुपी प्रतिभा को उपस्थित लोगों के बीच रखा और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ बच्चों ने नृत्य किया तो कुछ ने गाना गाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया, वहीं कुछ बच्चों ने एक्टिंग भी की।
इस दौरान बच्चों में एक गजब सी उत्साह देखते बन रही थी। वहीं एकलव्य फिल्म इंडिया के प्रेम बंसल ने बताया है कि उनका उद्देश्य बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखार कर एक मंच प्रदान करना है। उनके अनुसार बहुत जल्द इस ऑडिशन का फाइनल कर बच्चों को एक बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। उनके अनुसार लगभग 50 की संख्या में बच्चों ने इस ऑडिशन में भाग लिया है, जिसमें सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि बहुत ही जल्द उनकी फिल्म डांसर मेरा नाम आने वाली है, जिसमें इन बच्चों को मौका दिया जाएगा। और हमने यह जो आज का ऑडिशन रखा, निःशुल्क रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हमने यह आयोजन, ताकि कलाकारों को सही प्रतिभाओं को मंच मिल सके। क्योंकि ऑडिशन के नाम पे यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्राय संस्थाएं जो है पैसा ले लेती है और कलाकारों को मंच भी प्रदान नहीं करती है, तो हमें काफी दुख हुआ। हम झारखंड के सारे कलाकारों को मंच देना चाहते हैं, टैलेंट देना चाहते हैं, टैलेंट को उनका हम चमकाना चाहते हैं। धन्यवाद। आज बच्चों ने क्या कुछ प्रदर्शित किया है? आज जो बच्चे आए थे हमारे 50 से 60 बच्चे आए, मॉडलिंग राउंड हुआ और डांसिंग राउंड हुआ, सिंगिंग राउंड हुआ, और नो डाउट जितने भी बच्चे आए बहुत प्रतिभाशाली बच्चे आए। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में फैशन वर्ल्ड ने अपने नए शोरूम की शुरुआत कर दी है, जहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों के लिए सारे सामान उपलब्ध होंगे। इस शोरूम में ग्राहकों के लिए कई फैंसी ड्रेसेस रखे गए हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। साक्षी स्थित हीरो होंडा शोरूम के बगल में फैशन वर्ल्ड के नए शोरूम का उद्घाटन परिवार के सदस्यों के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर कई उद्यमी मौजूद थे। वहीं इस शोरूम में छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस के अलावा महिलाओं की जरूरत में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान उपलब्ध हैं। अत्याधुनिक टेक्निक से बनाया शोरूम पूरी तरह से वातानुकूलित है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर एयर अथॉरिटी के 6 सदस्यीय टीम ने जमशेदपुर का किया दौरा। सीजीपीसी के कन्वीनर चुने गए दलजीत सिंह, जल्द कराएंगे प्रधान पद का चुनाव। चोरों के आतंक के कारण लोग दहशत में, जिंदगी जीने को है मजबूर, पुलिस है मौन। और कुल्हान के हरिणा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर हो रहा है विचार, सांसद ने की पहल। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। इन्होंने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं जो आज की लाइफस्टाइल में डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं, जिसमें शामिल हैं डायबेट प्लस, डायबेटॉल और स्वीट जॉय। वेल दोस्तों, डॉक्टर जी हमारे साथ हैं और आपके फोन्स आपके पास हैं, तो फोन उठाइए, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उसे डायल कीजिए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। शुरू करते हैं ये एपिसोड और जानते हैं डॉक्टर जी से कि आज की लाइफस्टाइल क्लास में वो हमारे लिए क्या लेकर आए। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे किराएदार रहते हैं जो किराया तो नहीं देते बट बड़ी मस्ती से खाते पीते रहते हैं, क्योंकि आप उनको फ्री सप्लाई देते हैं खाने की, पीने की, मॉइस्ट एनवायरमेंट की, ह्यूमिडिटी की, यानी कि जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियास और वायरसेस और पैरासाइट्स जो बैठे हैं वो उस शुगर की डाइट पे या जो मीठी चीजें आप खिलाते हैं उसको एंजॉय करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपके दांतों को भी खाना शुरू करते हैं, कैरेस बनाते हैं और दांतों की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और आप अटके रह जाते हैं सिर्फ टूथपेस्ट के साथ। करीब 7 से 8 बिलियन बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा वेट है जिसको आप कैरी कर रहे हैं, उससे मुंह में बदबू आती है, मसूड़े खराब होते हैं, दांत खराब होते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास घर में हो तिल का तेल, जी हाँ, सिंपल तिल का तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल करता हूं मिर्च एंड ट्राइग्लिसराइड, जो कि लॉरिक एसिड के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा होती है, कोकोनट ऑयल के अंदर से एक एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक स्पेशल पोर्शन, और ये लॉरिक एसिड इनका सबसे बड़ा जानी दुश्मन होता है और वो इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो प्रोसेस क्या है, आप एक बड़े टेबलस्पून में 1 से 2 टेबलस्पून अपने मुंह के अंदर डालिए, पीना नहीं है उसको,
अब उसका कुल्ला करना शुरू कीजिए, घुमाना शुरू करिए, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, खासकर दांतों के बीच के अंदर से उसको निकालना जरूर शुरू कीजिए। 5 से 10 मिनट खाली पेट जब आप करेंगे, आप देखेंगे कि जो तेल पीले रंग का था पहले, ससमे ऑयल जिसको हम तिल का तेल कहते हैं, वो धीरे धीरे व्हाइट होना शुरू हो जाता है और उसका जो जो कंसिस्टेंसी वो काफी पतला होना शुरू हो जाता है। ये एक गम, एक स्पंज की तरह है जो वहां से सारे टॉक्सिन्स को खींच लेता है, इन बैक्टीरियाज को पकड़ लेता है। और जब माइक्रोस्कोप के नीचे इसको टेस्ट किया गया इस लिक्विड को, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी बैक्टीरियाज की थी जो कि नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को। अगर आप इस 5 से 10 मिनट की टेक्निक को घर पे, जो कि कॉस्ट भी कुछ नहीं करती, करना शुरू करेंगे, तो आपके मसूड़े बहुत स्ट्रांग होंगे, आपके दांत हमेशा स्ट्रांग बने रहेंगे, कैरिस नहीं होगी, और फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस आती है शायद आपको ना मालूम हो, एक रिसर्च में एसोसिएशन बताई जा रही है कि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आपके मुंह में होंगी, उतनी ही बड़ी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी। लोग बात करते हैं कि ये बैक्टीरियाज हमारे सिस्टम के अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं मुंह से निकल के, और जाके एथरोस्क्लेरोसिस का भी काम करना शुरू करते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, यानी कि तेल का कुल्ला 5 से 10 मिनट रोज शुरू कीजिए अपना दिन इसके साथ। Well, दोस्तों जाना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है, पर आप अब भी डॉक्टर जी या फिर उनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। ये हैं हमारे कांटेक्ट डिटेल्स। हमारी ईमेल आईडी है db@drgwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं और आप हमसे Facebook, Twitter, Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे हमारे फूड सप्लीमेंट्स डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय, और डायबिटीज केयर के लिए डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज और डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान। इसके साथ साथ हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स और डाइटिशियंस 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय मंगाकर पा सकते हैं भरोसा अच्छी सेहत का और दृढ़ निश्चय डायबिटीज को डिफीट करने का।